जय भीम। ये शब्द सुनके ही हमारे अंदर क्रांति की मशाल जल जाती। किसने बोला ये शब्द, कौन थे इसके जनक और कहाँ गूंजा ये सबसे पहले, आइए जानते इस वीडियो। बाबू हरदास लक्ष्मण नगराले, इन्होंने सबसे पहले 1935 में बोला ये नारा। इनका जन्म 6 जनवरी 1904 को नागपुर के कामठी गांव में हुआ। इनके पिताजी लक्ष्मण राव नगराले रेलवे के विभाग में कार्यरत थे। बाबू हरदास LN 10वीं कक्षा तक पढ़ाई पटवर्धन महाविद्यालय नागपुर से हुई। मात्र 18 साल की उम्र में उन्होंने शुरू किया साप्ताहिक। बाबू हरदास 1921 में आम्बेडकरी सामाजिक आंदोलन में सहभागी हुए। भारत में पहली बार बाबू हरदास जी रात्रि स्कूल का निर्माण करके लोगों को पढ़ाया, इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया, लोगों को जागरूक करते थे। लोगों को दलितों का पिछड़ों का नेता डॉक्टर आम्बेडकर है करके लोगों को जन जागृति करते थे और लोगों को बताते थे। और 1930 में बाबा साहब के साथ काड़ाराम मंदिर सत्याग्रह में शामिल हुए। 1932 में पूना पैक्ट के दौरान बाबा साहब के साथ उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और पूना पैक्ट साइन हुआ। जय भीम का विचार बाबू हरदास लक्ष्मण नगराले जी को कहाँ से आया, कहाँ उत्पन्न हुआ पहली बार ये नारा, और उन्होंने विचार किया कि किस तरीके से इसको लाया जाए। वो देखते थे भारत में मुस्लिम समुदाय, सिख समुदाय और बाकी समुदाय कुछ अभिवादन के वक्त बोलते थे या फिर कुछ नारे के वक्त बोलते थे। जैसे मुसलमान बोलते हैं कि सलाम वालेकुम, सिख में जो बोलिए सो निहार, और बाकी अन्य धर्मों में भी बोला जाता था। उसी तरीके से हमारे समाज में भी कुछ नारा होना चाहिए, इसके लिए उन्होंने जय भीम बल भीम ये नारा सबसे पहले समता सैनिक दल में 1935 में उजागर किया। जय भीम का अर्थ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जिंदाबाद ये है। और आज हमारे सामाजिक आंदोलन का मुख्य नारा बन चुका है जय भीम। जय भीम नारे का कुछ कवियों ने भी उपयोग किया। कवि बिहारी लाल, इन्होंने सबसे पहले शब्द को अपनी कविता में लाया। बाबू हरदास गांव गांव जाके सभी को बताते थे कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ये हमारे नेता है। बाबू हरदास ने अपना सारा जीवन अम्बेडकरी आंदोलन में समर्पित किया। 12 जनवरी 1939 को उनका देहांत हुआ, लेकिन आज भी हर बहुजनों के दिलों में जय भीम नारे के साथ आज भी वो अमर है। उनका 35 साल का जीवन अम्बेडकरी आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और आज हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए और अपने प्रेरणा स्रोत बना के समाज में काम करना चाहिए। जय भीम, जय भारत।